हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज निफ्टी पे ओपिनियन लेके आया था। 7 अप्रैल 2019 संडे का दिन है और निफ्टी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ है, दिख रहा है। लेकिन चूंकि वीकली बेसिस पे एक डोजी पैटर्न बना है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर की ओर जाए और नीचे की ओर भी जाए। अल्टीमेटली तो इसको जो ऊपर की ओर ही जाना है, कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे करके एक डोजी पैटर्न बना है, जहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर 11,559 के लेवल तोड़ता है तो शायद एक बार ये नीचे की ओर आए, बहुत ज़्यादा तो आएगा नहीं, बट 11,559 इनफैक्ट आपको 11,600 पे ही एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है 11,600 के नीचे, तो कहीं ना कहीं आप वीक पैटर्न इसमें देखेंगे। और 11,778 के ऊपर, 11,780 के ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये 11,900 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। ये पूरा वीकली पैटर्न है, नेक्स्ट वीक के लिए जो आने वाला है वो उसके व्यू से। तो निफ्टी जो अभी क्लोजिंग हुआ है वो 5 तारीख को जो क्लोज हुआ है, ये आप देखेंगे 11,665 पे क्लोजिंग दिया है, 67 पॉइंट ऊपर की ओर दिया है क्लोजिंग। और 34 एडवांसेस थे, डिक्लाइंस 16 थे, 34 एडवांसेस में एडवांस की ओर जाता है। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान हिंडालको और JSW, अब स्टील सेक्टर में देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त है। और जो गिरने वाले लूजर हैं, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, जे एंटरटेनमेंट्स, SBI और डॉक्टर रेड्डी, प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स रिटर्न की बात करें, जो मेन है यहाँ पे सेक्टरल इंडेक्स जो है उसके मेन परफॉर्मेंस की बात करें, तो 1 वीक में देखेंगे आप यहाँ पे, जो 1 वीक खत्म हुआ अभी इस महीने का, निफ्टी मेटल 2.90% रिटर्न दिया, ऑटो ने 2.75 दिया, रेडी 2.53, 1.89 दिया, निफ्टी 50.36 का रिटर्न दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर 0.01 का दिया। और कहीं ना कहीं जो लास्ट डे की क्लोजिंग हुई है वो भी मेटल की ओर बुलिशनेस दिखा रहा है। तो ऐसा दिखता है कि मेटल रियलिटी और IT भी थोड़ा उसी पैटर्न पे चल रहा है जहाँ लास्ट चला था। तो ये 3 सेक्टर दे वॉचलिस्ट के रूप में रहेगी। और कहीं ना कहीं BSE ऑयल गैस पे बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, मीडिया पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो ये दोनों एक कॉशियस पोजिशन के साथ हो सकता है चलेंगे। FMCG लास्ट भी निगेटिव था और अभी भी निगेटिव दिख रहा है, लास्ट डे भी निगेटिव दिख रहा है। पावर सेक्टर में अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आता है, लास्ट भी थोड़ा न्यूट्रल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, हो सकता है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो कि डराने की कोशिश हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो मंथ का देखेंगे तो 5% का रिटर्न, YTD का 1.13 का रिटर्न है, वो बहुत खराब नहीं है, हो सकता है डराने के पर्पस। लेकिन पावर में कोई बड़ा न्यूज आता थी ऊपर की ओर जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई उसको बेनिफिट देती है या परचेज पावर एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे आपको फायदा देखने को मिल सकता है। FMCG पे कॉशियस पोजिशन है, ऑयल BSE ऑयल एंड गैस पे भी थोड़ा सा, ऑयल गैस में भी थोड़ा सा कॉशियस पोजीशन रखिए और पावर पे भी थोड़ा सा वॉच लिस्ट पे रखिए। अच्छा जो करने वाला है मेटल सेक्टर दिख रहा है कि यहाँ पे आप भागने को तैयार है। ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी लास्ट वीक हो सकता है रिजल्ट के चलते आपको वीकली परफॉर्मेंस अच्छा दिखने रहा, लेकिन अभी डेली जो दिखा है वो वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी चल सकता है, IT चल सकता है। तो मेटल, रियलिटी, IT, ये 3 सेक्टर पर आगे के लिए आप वॉचलिस्ट देख सकते हैं। और अगर FI की बात करें तो अभी तक 7 अप्रैल अप टू जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ 5 तारीख तक, तो FI ने 8,979 करोड़ की, मतलब 9,000 करोड़ की बाइंग कर चुका है अभी तक अप्रैल में। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं और तो आप देखेंगे ये वीकली बेसिस पे एक डोजी पैटर्न बनाया है ये वीकली बेसिस पे। और अगर ये किसी यहाँ पे जिसका जो लो है 11,559 है, अगर ये इसको ब्रीच करता है तो नीचे की ओर जाने की संभावना रखती है। और 11,761 है जो इसका हाई है, अगर वो उसको ब्रीच करता है तो ऊपर की ओर निकलने की संभावना है। ये 2 वीकली पैटर्न पे आप इसको व्यू रखिएगा, हो सकता है ये यहाँ पे डोजी पैटर्न है, क्लियर डोजी वीकली बेसिस पे ये डोजी पैटर्न है, थोड़ा सा इस पर वॉच रखिए किस ओर जाता है। जिस ओर जाएगा आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से आपको देखे जाएगा, आप समझिएगा बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है तो नहीं आने वाली है। अब इसको इसलिए पता चला है कि आप 11,600 पे जो है, अगर हम डेरिवेटिव में जाके स्टडीज को करें तो आपको दिखेगा 11,600 पे क्लोजिंग का हुआ है 11,665 पे 5 अप्रैल को। ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो 11 अप्रैल की एक्सपायरी की अगर देखेंगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, तो 11,600 पे देखेंगे तो आप 19,18,425 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और 74 लाख का जो बना है वो बना है आपको 4-5 तारीख के डेट को ही बना है।
मतलब 11600 के नीचे, ये यू कहें 11559 जो उसका लो आपको दिखाया, यहाँ पे जो लो है इसका 11559, इसके नीचे जाना थोड़ा टफ दिखता है इस पैटर्न पे। तो 11600 के नीचे इसको जाना नहीं है। ऊपर की ओर देखें तो पहला रेसिस्टेंस इसको 11700 पे है जो 1083000 का है। अगर ये क्रॉस करता है तो ये सीधा आपको यहाँ पे 11900 की ओर जाते हुए दिखेगा या 12000 की ओर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि बीच में 11750 11800 पे कोई रोक नहीं है, सीधा 850 पे थोड़ा पोजीशन बन रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर सीधा 11900 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 11900 की ओर जाते हुए दिखे या 11600 को, 600 की ओर जाके देखेंगे नीचे की ओर 11665 पे है ही, तो नीचे सिर्फ 65 पॉइंट का ऑप्शन है, तो स्टॉप लॉस नीचे की ओर आप 65 पॉइंट का लगा लें, 11550 का समय लेके आप स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की ओर 11900 12000 तक जाने का इसका चांस हो सकता है, और 12000 के लास्ट प्राइस कॉल प्राइस में देखें तो आपको सिर्फ ये मिल रहा है आपको 2.30 रुपये पे। इसको नहीं भी ट्राई करें तो आप 11700 के कॉल को, 11700 के नहीं तो 11900 के कॉल को जो आपको मिल रहा है 7 रुपये पे, इस पर वॉचलिस्ट रखें, देखें, ध्यान रखें। अगर ऊपर की ओर जाता तो अच्छा है, नहीं तो आपको खोने को सिर्फ 500 रुपये 600 रुपये है। तो 11900 का कॉल भी ये पेपर ट्रेड के लिए सिर्फ है, और अगर हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो कोई भी एट द मनी 11650 से 11700 को ले सकते हैं, जो कि 68 रुपये 97 रुपये रहता है। तो जब भी ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो इमीडिएट आपको इसमें एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको दूसरे यहाँ पे भी देखें, 2 वीक का ट्रेंड देखें, तो ये दो फर्स्ट वीक जो लास्ट क्लोज हुआ है ये वीक है, उसके पहले का वीक ये है। तो इसके पहले का वीक जो क्लोज हुआ है लो है 11453 का, तो ये जिस कैंडल को तोड़ेगा नीचे की ओर जाएगा, तो 11565 तोड़ता है तो ये नीचे की ओर 11454 तक जाके टेस्ट कर सकता है। ऊपर की ओर एक बार तो इसने ट्राई किया है और स्पाइक भी ऊपर की ओर गया है, तोड़ने की कोशिश किया है इस लाइन को, लेकिन फिर वहाँ से नीचे आकर इसी लाइन पर आके स्टे कर गया है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी दिखती है लेकिन स्ट्रांगनेस भी दिखता है कि यहाँ पे ऊपर की ओर आप 11650 पे एट द मनी पे देखें, यहाँ पे ऊपर की ओर 11700 की ओर जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बन रही है, और यहाँ पे जो बन रही है शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, वो 4 लाख 11650 पे 4,03,000 से तोड़ा जा रहा है, इसको 11700 पे भी तोड़ा जा रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है निगेटिव और यहाँ पे बाइंग दिख रही है, बट ये किसी भी हालत में 12000 क्रॉस करने के लिए अभी तो नहीं दिख रहा है, 12000 इतना जल्दी क्रॉस आपको करते हुए नहीं दिखेगा इस वीक में, एटलीस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 12050 पे शॉर्टिंग भी चालू हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कोई पोजीशन दिखेगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 11700 से 11900 के रेंज में आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। FI बाइंग अच्छी है, और अगर मैं इसके FI के इंडेक्स ऑप्शन में लॉन्ग की बात देखूँ तो 1 तारीख से आप देखें, 1 तारीख को इसने 2,77,000 का पुट को लॉन्ग किया, फिर 2 तारीख को 2,77 का किया, 2,92 को किया, 2,84 का किया, 5 तारीख को 2,98 का किया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन इंडेक्स पुट को लॉन्ग कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजी इसमें इनको दिख रही है, बट तेजी जो गुंजाइश दिख रही है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि 70,000 का सीधा 2 लाख हो रहा है, ये 10,000-20,000 के डिफरेंस से ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक बहुत ही स्लो एंड स्लगिश वे में ये ऊपर की ओर जा रहा है। उसी तरह कॉल शॉर्ट में देखें तो कॉल शॉर्ट में पोजीशन घट रहा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा है, धीरे धीरे 96 से 77 की ओर आया है, मैंने आप ये 3,000-4,000 करके ये घटते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली ये शो ये तो करता है कि ऊपर की ओर ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन जो बन रहा है ये ऊपर की ओर की संभावना बता रहा है, FI की जो बाइंग हो रही है वो ऊपर की ओर यहाँ ऐड होते जा रहा है, पुट में लॉन्ग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको ऊपर की ओर पोजीशन जाते हुए दिख रही है। उसी तरह देखिए अगर पुट में शॉर्ट की पोजीशन देखें तो पुट में शॉर्ट जो हो रहा है वो भी देखेंगे, 1 लाख शॉर्ट जो कर रहे हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो पुट में शॉर्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे ऊपर की ओर वापस पोजीशन जाने की संभावना ज़्यादा है, 179 से ये 216 तक में जा चुके हैं। इससे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट लॉन्ग बाइंग करके कर रहे हैं, पुट को जो बाई के उसको बाई करके रख रहे हैं, और शॉर्ट में यहाँ पे उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये भी प्राइस एक्शन में ऊपर की ओर जाते हुए संभावना दिखाता है। कॉल में जो शॉर्ट कर रहे हैं
वो कम उसको डिक्रीज जो शॉर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ से आपको लगता है इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक बार आपको ऊपर की ओर जाते हुए मार्केट देख सकता है, जो 11,900 से 12,000 की ओर जाके दिखेगा, लेकिन अभी इमिडिएटली नहीं दिखेगा। डेरिवेटिव में जो पोजीशन है वो धीरे धीरे ऊपर 11,700 पे पहले एक बार वहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा, उसके बाद 11,800 पे 8,66,000 का है, और ये क्रॉस करते ही 11,900 पे 7,69,000 का है, यहाँ से फिर 12,000 देखने को आपको मिल सकता है। ये निफ्टी पे सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था, व्यू था, ये अपसाइड में है, धीरे धीरे है, स्लो वे में है, धीरे धीरे बाइंग बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक पॉजिटिव वे में अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी बाय और सेल की पोजिशन बनानी है तो आप स्टडी करें, वॉच करें, देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और फिर मार्केट में पोजिशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।